अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्यारा भाई मुनीबुल्ला खान। क्या हाल चाल है आपके? मैं चैनल है मेरा खान लिविंग्स। और यार मैं यूट्यूब से गायब इस वजह से हो गया था कि क्योंकि यार मेरी हो गई थी आइज़ ख़राब, जो कि अब कुछ बेहतर हुई है। तो सूरज अभी भी काफ़ी चुप है, तभी मैंने आई गॉगल्स डाली हुई, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आज कुछ बेहतर हुई हैं। तो मैंने कहा जरा जरा ना आई यूट्यूब फैमिली को भी बता लें कि हमारी आँखें ख़राब हो गई थी। और इस दरमियान तो पता नहीं यूट्यूब वालों ने क्या 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 क्या, क्या किसे खोल दिए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वनडे वो शुरू हो गया है, वो उसके बाद पता नहीं इस वर्ल्ड कप में कोई 9-10 सेंचुरियाँ हो गई हैं। कल के मैच में स्टीव स्मिथ जो आउट हो गया, उसके बाद जो मार्क है वो कैसे आउट हुआ, ये बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है जनाब। 9-9 सेंचुरियाँ, इतने इतने स्कोर, इतने हाईएस्ट रन चेज, हाईएस्ट रन बनना इस वर्ल्ड कप में, वाह वाह क्या बात हो रही है। और कल का जो वर्ल्ड कप आ रहा है, ओए होए होए होए, कल इंडिया पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट रेवलरी ऑफ द हिस्ट्री। और इसके अलावा आप सबको जुम्मा 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 तो मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक ही मुबारक। उसके बाद है और दुआ करनी है यार कल के मैच के लिए। उसके अलावा यार मैं और सोच रहा था कि एक दो बातें और थी वो शेयर करनी थी, लेकिन अभी पता नहीं वो मेरे जहन से निकल रही हैं। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने, और धूप तो काफ़ी है, इस वजह से शायद मोबाइल मैं ना इस्तेमाल कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं मोबाइल करने जा रहा हूँ। अभी मैं जुमा पढ़ जाता हूँ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर गप करते हैं। भाईजान जुमा मैंने कर लिया है, बिल्कुल आदाब, बिल्कुल पुरसकून माहौल में। अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरी आंखों को धो गई है दर्द शुरू। और मैंने अपनी टीम के लिए भी दुआ की है यार, के दिल से हमारी भी टीम कम से कम अच्छा करे, कम से कम यार 7-0 का रिकॉर्ड टूटे इंडिया का। 7 दफ़ा जीत चुका है इंडिया, और पाकिस्तान 0 दफ़ा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उम्मीद है यार काफ़ी है, फख्र इंशाल्लाह आएगा। बहुत ज़्यादा इमाम भी है, इमाम भी अच्छा प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक तो आएगा आएगा, और बाबर की तो टेंशन नहीं है। ऊपर से आएगा रिजवान, रिजवान के बाद अब्दुल्ला, ओ क्या है उसका नाम है लड़का नया, क्या उसका नाम है, हाँ सऊद की लाएगा, फिर चाचू आएगा, फिर उसके बाद नवाज है, शादाब। यार बैटिंग अच्छी है हमारी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी कभार ना यार ये समझा करो ना, जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, एक गिरता है फिर दूसरा गिरता है, फौरन के पीछे उसके पीछे लाइन के पर लाइन 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 लाइन। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जितने भी हमारे जो हाईएस्ट रन चेज हुआ है उसमें भी देखे हमने, कम से कम कुछ देर तो रुकते हैं, कुछ देर रुकने का फ़ायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ रन आ जाते हैं यार, तो वो अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। अब इंडिया का मैच है, प्रेशर भी होगा, तो देखते हैं क्या बनता है। मुझे ना ज़रा वाइब्स आ रही है कि इस बार यार जीतने वाले हैं, वर्ल्ड कप का कंफर्म नहीं है, अल्लाह करे वो भी हो जाए, लेकिन इंडिया का मैच इंशाल्लाह हम जीतने वाले हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर, बड़ी सख्त दर्द हो रही है, अभी मैं कमरा बंद करके अंधेरा जनाब वाला करके जनाब लेट जाऊँगा बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो दुआओं में याद रखिए, दुआ कीजिएगा कि मेरा जो आँखें हैं, मेरा जो आँखें हैं, मेरी जो आँखें हैं, मेरा यार मेरे ही कर लो, मेरा जो आँखें हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएँ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी व्लाग बनाऊँ, बम कर दो यूट्यूब पे, फिर से आपसे मुलाकात हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।